आज आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के वीडियो से हट के मैं ये क्या चीज़ दिखा रही हूँ आपको, सफ़ेद सफ़ेद और कुछ क्लियर वाटर भी नहीं है और कुछ सफ़ेदी लेवा पानी है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियो पे ही आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा दीजिए, पूरा देखिएगा प्लीज़। ये बहुत ज्ञान का विषय होने वाला है आज का टॉपिक, और ये प्लांट से रिलेटेड ही वीडियो है। हेलो, आई एम फ्रॉम नेचर टच, वेलकम टू माय चैनल। और मैं नेचर टच से ललिता भंडारी। तो आज की डेट है 31 मई, तो आज 31 तारीख है और मई भी चला गया। बहुत गर्मी थी मई के महीने में, कुल 2-3 दिन बारिश भी हुई लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई हो गया। वैसे तो प्लांट्स के लिए ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा होता है, ह्यूमिडिटी का जो वातावरण होता है वो अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। एक नमी बनी रहती है वातावरण में, तो उतनी प्लांट्स को हमारे परेशानी नहीं होती है और प्लांट्स खुश होते हैं, खासकर जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं। इंडोर कहने का तात्पर्य जो सेमी शेड वाले प्लांट्स होते हैं और जो ह्यूमिडिटी लेवल में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। तो उनमें से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बहुत खुश होते हैं, और कटिंग्स वगैरह भी अगर आपकी हैं तो वो भी अच्छे से बेटर तरीके से चल जाती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है वातावरण में, नमी होती है एक तरह की। तो बारिश भी 1-2 दिन हुई है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है। तो आज का टॉपिक है मेरा ये राइस वाटर। तो राइस वाटर हमारे प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत हेल्पफुल होता है उनकी बेटर ग्रोथ के लिए, और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है ये स्टार्च। कुछ जो चावल होता है वो हम जब चावल बनाते हैं तो स्टार्च के रूप में निकलता है, उसे भी आप इकट्ठा कर लीजिए। और जो कुछ हम चावल धोने से पहले पानी निकलता है उसको भी अपने आप इकट्ठा कर लीजिए। और इसको अगर आप 2-3 दिन रखना चाहें तो एक टाइट बकेट्स में या फिर किसी बॉक्स में, जो भी आपके पास हो डिब्बा प्लास्टिक का, उसको ढक्कन लगा के आप रख सकते हैं। और इसको वाटर में डाइल्यूट करके सादे पानी में मिलाकर आराम से अपने सभी प्लांट्स में बेफिक्र होके डाल सकते हैं। इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है और कई तरह के न्यूट्रिशंस हमारे प्लांट्स को मिलते हैं। तो देखिए, ये है मेरा जो राइस पके हुए होते हैं उसका स्टार्च भी, और जो चावल धोए थे वो पानी मैंने मिक्स कर दिया। तो मैं इनको प्लांट्स में अपने दूंगी। तो अभी तो मैं इसमें पानी नहीं मिलाऊंगी, जितना है जितने प्लांट्स में आएगा तो उतना मैं ये पानी दे दूंगी डायरेक्टली, क्योंकि आज ही का निकाला हुआ पानी है मेरे पास, मैंने 2-3 दिन से नहीं रखा था। तो बहुत हेल्पफुल होता है ये बेटर ग्रोथ के लिए। और आप ये सब फ्री की जो भी फर्टिलाइज़र है, फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, अपने किचन से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे दाल आप धोते हैं, दाल का पानी भी मिक्स कर दीजिए, और चाय की पत्ती निकलती है उसको भी धो के आप सुखा के प्लांट्स में दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और इस विषय पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ आप सभी के लिए। तो अगर आपको वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा कि कैसा लगा। तो देखिए, मैं तो हमेशा जो भी चावल से पानी निकलता है, स्टार्च निकलता है, या चावल में दाल धोती हूँ, सब पानी इकट्ठे कर लेती हूँ और प्लांट्स में डालती रहती हूँ बीच बीच में। तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होती है और हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं। तो सिर्फ हमें, कई लोग जैसे रासायनिक खादें उपयोग करते हैं बहुत सारी, तो सिर्फ उन्हीं खादों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें किचन से फ्री के बहुत सारी खादें मिलती हैं और उनको आप उपयोग कीजिए अपनी गार्डनिंग में, और बहुत हेल्पफुल होती हैं। और किचन से जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं आपकी सब्जियों के, प्याज के, आलू के, टोटली जितने फ्रूट के छिलके, उन सबको आप खाद बना सकते हैं अपने प्लांट्स में। जब आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो नीचे ग्रो बैग्स में आप पूरा उसको भर सकते हैं, ऊपर से सॉइल मिला के, तो वो एक बहुत अच्छी खाद आपकी रेडी हो जाती है। तो मैं तो इस तरह से ही करती हूँ, जो भी प्लांट्स लगाती हूँ तो नीचे अपना किचन वेस्ट भी भर देती हूँ और ये सब फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अपने प्लांट्स को देती रहती हूँ। तो देखिए, आज का विषय था मेरा फ्री की जो फर्टिलाइज़र हमें किचन से मिला है वो हम कैसे यूज़ करें अपने प्लांट्स में। तो अभी तो ये देखिए मेरे पास इतना ही है, तो इसको मैं अपने जितने प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, जिसमें मुझे पता है कि कुछ न्यूट्रिशंस की उनको नीड है मेरे प्लांट्स को,
तो उन सभी में डाल दूंगी। और मैं सभी इंडोर आउटडोर जितने भी प्लांट्स हैं सब में ये खाद देती रहती हूँ बीच बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ और शायद एक नए प्लांट्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।